हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मेंशन टीवी। मेरा नाम है शाहरुख और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में कोई गूगल सीट है आपके मोबाइल में, अगर आप मोबाइल में गूगल सीट यूज करते हैं और उसमें आप फाइंड और रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको फाइंड ऑप्शन के बारे में और रिप्लेस ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल में जो गूगल सीट होती है उसमें वर्ड फाइंड कर सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है गूगल शीट को, जिस गूगल शीट पर आप वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गूगल शीट ओपन कर ली है और इसमें मुझे कुछ वर्ड सर्च करना है, अपना नाम सर्च करना है या फाइंड या रिप्लेस करना है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम मोबाइल में सर्च कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। तो सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल शीट ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का, तो आपको इस फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर सर्च बार खुल जाएगी, यानी सर्च बॉक्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसके सामने राइट का निशान नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जिस वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं, जिस भी नेम को आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम सर्च करता हूँ इस शीट में, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर सर्च करने पर यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है जो मेरा नाम था, यहाँ पर उसके ऊपर जो है हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम नाम सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ पर और नाम सर्च करके देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पंकज सर्च किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंकज सिंह के नाम से जो हाईलाइट हो गया है सेल। तो इसी तरीके से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने नेम को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जो अपना नाम सर्च करूँगा तो मैंने यहाँ पर अपना नाम सर्च किया। नाम सर्च करने के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पर सेल हाईलाइट हो गया है, तो मैं इसको क्या है रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रिप्लेस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें ऑप्शन आपको एक खाली जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको टाइप करना है। इसमें आपको दिखाई देगा रिप्लेस विद का ऑप्शन, तो आपको इसमें टाइप करना है कि आप इस नेम को किससे चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है शाहरुख खान, तो मैं इसको किस से चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द मेंशन टीवी। उसके बाद रिप्लेस वाले बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ए तेरे सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अपना नाम चेंज किया था वो द मेंशन टीवी के रूप में चेंज हुआ या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको फिर से उसको सर्च करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा नाम था यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं जो मैंने अपने नेम को चेंज किया था द मेंशन टीवी से। तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं और अपने नाम को रिप्लेस या वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं बहुत बड़ी सीट में से मोबाइल के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।